Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and exam की preparations भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी. तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके जो कि बम्पर नंबर ऑफ सीट्स के लिए रहेगी और डायरेक्टली निकल के आ रही है एयरपोर्ट की तरफ से एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग. फ्रेंड्स, ये वैकेंसी होगी एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी एआईएएसएल की तरफ से. एआई यानी कि एयर इंडिया की तरफ से वैकेंसी है. टोटल पोस्ट बम्पर इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर 1049 सीट रहेगा. दो टाइप के सीट देखने को मिलेंगे. देखिए, ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे. तो चलिए आगे जाने इसकी सारी कंप्लीट डिटेल्स को. लेकिन अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, अप्लाई का लिंक चाहिए आपको, दोनों चीजें मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए. और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए, जैसा कि आपको बता दिया है, टोटल पोस्ट 1049 यानी कि 1100 के तकरीबन आपका पोस्ट रहेगा. दो टाइप के सीट मैंने बताया है. देखिए, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव. ज्यादा पोस्ट है आपका जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है उसके लिए 706 यानी 706. सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का है 343. इसके लिए जो अप्लाई करने की डेट है ना, 1 जुलाई से 14 जुलाई यानी 1 जुलाई से 14 जुलाई तक ये फॉर्म ऑनलाइन होगा. ऑनलाइन कैसे होगा ये सारा कुछ आगे हम लोग जानेंगे. देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन है ना उसमें सारी प्रोसेस बताई गई है. लेकिन अगर आपको अप्लाई का लिंक चाहिए तो पहले ही बोला है कि टेलीग्राम पे मिलेगा, वहां से जाके ऑनलाइन कर दीजिएगा. देखिए, एज लिमिट इसके लिए एज ऑन 1 जुलाई 2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 के अनुसार कैलकुलेट होगा. 18 वर्ष से 28 वर्ष यानी 18 to 28 ईयर्स एज की लिमिट रहेगी. और आपको पता है कि एज में रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 ईयर्स के लिए और एससी एसटी को 5 ईयर्स के लिए. तो ये तो बेसिक जानकारी थी. अब आता है मेन टॉपिक कि दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है. देखिए, क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है. डजंट मैटर कि ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम से किया था, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स तीनों ही एलिजिबल रहेंगे. लेकिन यहाँ पर जो सीनियर के लिए जो पोस्ट है ना, सीनियर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए, इसके लिए ना ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपके पास कुछ एक्सपीरियंस और हायर डिग्री भी चाहिए होगा. तो उसका आप नोटिफिकेशन में थॉरो आउट देखेंगे कि क्या इसका क्राइटेरिया है. बाकी बहुत सारे जो ज्यादा पोस्ट आए हैं आपके कस्टमर जो सर्विस एग्जीक्यूटिव के, उसके लिए बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए. और साथ ही साथ ना नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि आपको कंप्यूटर पे वर्क करना है तो चलाने आना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए. मैं तो ये कहूंगी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है. रही बात की फॉर्म अप्लाई करते वक्त फी क्या लिया जाएगा, 0 रुपीज. कोई फी आपसे नहीं लिया जाएगा फॉर्म के लिए. और आगे बात करें कि सिलेक्शन किस बेसिस पर होगी, सिलेक्शन भी बहुत आसान है. सिलेक्शन की प्रोसेस ये रहेगी कि आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा और एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, आपसे जाना जाएगा. अगर मान लीजिए कि आपने सीनियर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपने एक्सपीरियंस वगैरह जो बताया है वो सच में जानेंगे लोग कि आपके पास सच का एक्सपीरियंस है या नहीं, आप वहां पे काम कर पाओगे कि नहीं. तो यही बस पर्सनली थोड़ा सा आपको एक गाइडेंस, आपके बारे में जाना जाएगा, आपको कुछ बताया जाएगा. तो सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है. तो इंटरव्यू के बाद आपको कॉल लेटर जो जाएगा और फिर आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा. देखिए फ्रेंड्स, ये आपको पहले ही बताया कि ऑल इंडिया के लिए है वैकेंसी, मेल फीमेल दोनों के लिए. तो जॉब की लोकेशन ऑल इंडिया नहीं रहेगी. जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना मुंबई, जॉब की लोकेशन आपकी मुंबई एयरपोर्ट रहेगी. एयर इंडिया के तहत वैकेंसी है. और सैलरी की अगर बात करें तो दोनों ही पोस्ट के लिए बहुत अच्छी सैलरी दी जा रही है आपको.
जो कस्टमर की सर्विस एग्जीक्यूटिव है ना उसके लिए 27,450 यानी कि 28,000 रुपये आपसे यहाँ पर आपको दिया जाएगा। जो सीनियर है उसके लिए आपको 28,605 रुपये। तो देखिए दोनों का सैलरी लगभग सेम ही है और बाद में सैलरी बढ़ाया जाता है, इसमें इंसेंटिव वगैरह भी दिया जाता है। तो देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और इसके रिगार्डिंग देखिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.aiasl.in। और हाँ, फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ये जो आपको मैं लिंक दूंगी उसको क्लिक करोगे तो एक फॉर्मेट खुलेगा, उसमें सिंपली जैसे आप अपना रिज्यूमे वगैरह बनाते हैं जो आप फॉर्म अप्लाई करते हो, बस अपना जो डिटेल है वो फिलअप कर देना और अप्लाई हो जाएगा। बाद में आपके मेल पर आपको कॉल लेटर आ जाएगा, इन डिटेल सारा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सब आपको बताया गया नोटिफिकेशन में जो कि टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जाइए डाउनलोड करके देख लीजिए। आई होप कि इस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी यूजफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगे फिर से किसी नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।